मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद और स्पीकर चुनाव पर हो सकती है चर्चा। अमित शाह जेपी नड्डा का संसद सत्र को लेकर भी मंथन, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर चुनाव को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हो रही है और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और स्पीकर चुनाव पर हो सकती है चर्चा। शाह नड्डा का संसद सत्र को लेकर भी मंथन है, तो केंद्र में सरकार बनाने के बाद एनडीए में स्पीकर पद को लेकर खींचतान है। जेडीयू और टीडीपी स्पीकर पद की रेस में, हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि स्पीकर बीजेपी के से ही होगा और डिप्टी स्पीकर पर सहयोगियों को देने के लिए भाजपा राजी है। तो देखिए, तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद अब एक्शन में मोदी सरकार और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इधर की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। स्पीकर चुनाव पर हो सकती है चर्चा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो नए स्पीकर पर मंथन इस बैठक में संभव। शाह नड्डा का संसद सत्र को लेकर भी मंथन होगा, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि लोकसभा में स्पीकर बीजेपी का ही होगा। एनडीए के सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर पद मिल सकता है और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो समझौता नहीं करेंगे। और बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विपक्ष समेत सभी दलों से बात कर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि चुनाव के नतीजों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए की सरकार बनी है लेकिन किंग मेकर जेडीयू और टीडीपी में लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर तकरार है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक, बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। स्पीकर चुनाव पर भी इस बैठक में संभव है कि चर्चा होगी। शाह नड्डा और संसद सत्र को लेकर भी मंथन करेंगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे जहां शाह के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी।